कहाँ से जले हैं? मैं लेके आई फ्रेंड्स ये पकोड़े, और ये मेरे पकोड़ों को उड़ा रहे हैं मुझे। मैं नहीं खा रही। हैं? खा लो दादी। नहीं, ये देख रहो, मैं इसी पन्नी में लेके आई थी पकोड़े, इसमें चटनी भी पड़ी है। पन्नी तू खा ला। पन्नी नहीं खा ले। तो देखो पकोड़े आए हैं फेंकने से तो रहे, इतने महंगे पकोड़े। मैंने बोला दादी को 300-350 के हम पकोड़े लेके आए घर में। अभी दादी ना उसका भी मजाक उड़ा रही है। अब हमने ना जैसे पकोड़े खाए, उसके बाद जो पकोड़े बच गए तो मैंने कहा ये रख देते हैं, दादी ना बाद में खा लेगी रोटी रट्टी के साथ। दादी बड़े खुश होकर पकोड़े खाती है। खाती है दादी, खाती क्या, ये माड़े सा ना लग गया, और वैसे हमने ध्यान नहीं दिया, उसने ना पैक करके दे दिया। और भैया इन्होंने तो क्लास ले ली, ये पकोड़े है ऐसे पकोड़े होते हैं। दादी तो नहीं खाती। नहीं ये तुम चबा लो, तुम चबा लो। हमारे लिए उल्टा दादी बोलने लगी, मैं तो नहीं खा रही, तुम ही चबा लो, तुम ही चबा लो। मैं ना ये सोच के लाई, मैंने कहा चल मैं पकोड़े ले जाती हूँ। अब देखो चटनी भी नहीं खुली हुई, इन्होंने पकोड़े खाए नहीं, फिर हमने तो खाए। हम तो खाते ना, हम फेंकते थोड़ी ना, फिर जब घर में चीज आ गई है तो दादी कह रहे ले, तुमने तो जले हुए पकोड़े भी ना छोड़े। अब पैसे लगे थे हमारी दादी के, खाने तो थे ही, खाने का तो हमारा फर्ज था, फ्रेंड था भी नहीं दादी। जब हमारी दादी को पसंद नहीं आ रहे थे, फ्रेंड्स को कहाँ से पसंद आई, इतने बढ़िया पकोड़े। मैं जले हुए नहीं है फ्रेंड, ये दादी को ना गलत फहमी हो रही है, थोड़ा सा सीख गया वो, ज्यादा थोड़ा सा सीख गया है। खा लो दादी। नहीं खा रही दादी। भाई दादी देखो बहुत नखरे दिखाती है खाने में, दादी खाती नहीं है। दादी खा लो ना। नहीं खा रही। अब मैं लाई हूँ, इतने प्यार से लाई हूँ, इतने पैसे खर्च करके लाई हूँ, खा ले फिर। मैंने ना खा लिए, ये भी खा ले। दादी ने भी तो खाए, दादी ने वो वाले खाए, आलू के खाए, आलू वाले फिर भी खा लिए। ये दादी कह रहे सड़े हुए, नारंग जी बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगी नारंग जी। दादी मेरे को सारे आप बदनाम कर रही है कि मैंने नहीं खाया, मैं झूठ बोल रही हूँ। अब दादी का पेट भर गया होगा ना। नहीं माना, ठीक है दादी ने कम खाए पकोड़े, मैं ये नहीं कह रही खाए दादी ने, मतलब खाए है पकोड़े, लेकिन दादी ने इन पकोड़ों को वो कर दिया कि ये पकोड़े जल गए हैं। माना भैया, मैंने दादी को बोला दादी पकोड़े बड़े महंगे लाई मैं, दादी की सुन के और बड़ी बड़ी सांसें आ गई। दादी पहले तो थोड़ा भड़क रही थी, दादी को पकोड़े नहीं जलेगा, नहीं गुस्सा तो पकोड़े महंगे आने का है। पहले दादी भड़क रही थी, जले हुए पकोड़े थे, और जब जय दादी ने सुनिया होए होए, दादी कैसे करा होए होए पकोड़े खा जाते मिनटा जो। दादी पता है हम मैंने हमने 400 का तो मैं राशन भरवा लू, 400 का तो मैं राशन भरवा लू, दादी बोल रही है। दादी खा लो, चलो दादी रोटी के साथ खाएगी। हमारी दादी को रोटी के साथ सब्जी ना दो, रोटी के साथ पकोड़े दे दो। दादी पकोड़े की सब्जी दे दो। दादी रोज हलवाई बैठा, रोज पकोड़े। दादी के अंदर से भड़ास निकले जा रही है चार चार। मेरे को सांस भी नहीं आ रहा, सही बात है, सांस भी नहीं आ रहा, सही बात है। सारे वो पकौड़े मैं खा गई 400 रुपए के। फ्रेंड ये तो एक मिसाल बन गई, 400 रुपए के पकौड़े हमारे घर में, कमाल हो गया। दादी 10 मिनट खत्म, मेरा खत्म। दादी के लिए मेरा ही खत्म हो गया। 400 पकौड़े एक मिनट।